Hello, my dear students. Myself Vivekanand from Alpha Plus. Today we have All India Rank 50 in IIT JAM MS 2022 exam. Please welcome Mr. Kamesh. बेटा इसमें आज के इंटरव्यू में एक बहुत खास चीज है. देखिए मैं पूरे ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि ये कामेश जो है ये पूरे साल हमसे नहीं पढ़ा है. शायद ही कोई इंटरव्यूअर होगा जो इस तरह की बात बोले. ये बच्चा पूरे साल हमसे नहीं पढ़ा है. इन्होंने एंड के टाइम में हमसे बेनिफिट लिए हैं. मैंने इनसे बात भी की जब इनका रिजल्ट आया. तो बेटा इनकी बातें मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि ये तो आने वाले जूनियर्स के सामने आनी चाहिए. जैसे कि आप सभी लोग समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे फील्ड्स ओपन दिख जाते हैं बच्चों को कि मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन इधर है इधर है इधर है. लेकिन जो बच्चे स्टैट्स की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में ये रहता है यार स्टैट्स में तो सीट्स भी लिमिटेड है. शायद इन फ्यूचर जो एस्पेक्ट्स आएंगे स्टैट्स के वो भी लिमिटेड होंगे. तो मैंने बेटा मैंने इन बच्चे से कामेश से बात करके ये चीज समझी कि इनको कई सारे एस्पेक्ट्स इन्होंने ऐसे टच कर लिए अपनी तैयारी के वक्त जो हमें भी एक्चुअल में नहीं पता था कि ऐसे से भी हो सकता है. तो उसके लिए तो स्पेशली ये इंटरव्यू आप लोगों को देखना ही चाहिए. तो कामेश बेटा सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपका रैंक 50 आया है. आपके परिवार को बहुत शुभकामनाएं, आपके फ्रेंड्स को बहुत शुभकामनाएं और आसपास जो भी हैं. ये एक जब फ्लावर खिलता है, जब फूल खिलता है तो आसपास खुशबू बिखेरता है. ये एक खिले फूल की तरह ये रिजल्ट. एम आई राइट? कैसा फील कर रहे हैं? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है और लाइक सभी कोई आसपास में खुश है और सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं. और एक हमेशा से ये स्टेट्स, मतलब काफी टाइम से स्टेट्स पढ़ना था और लाइक व्हाट बेटर देन आईआईटी टू लाइक गेट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ लाइक स्टेटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स जो भी एप्लीकेशन है इसके. तो सर काफी अच्छा लग रहा है. और चलो चलो बहुत बढ़िया बात है बच्चे. थोड़ा सा वो अपने बारे में बोलिए और वो स्टैट्स वाली बात जो आपकी और हमारी हो रखी है पहले, जिसके बारे में मैंने भी बोला भी. बेटा चलो बताओ, सबको बताओ, सारे जूनियर्स को. मैं दिल से चाहता हूँ ये चीज सबके सामने आए. जी सर, तो 12th के बाद बेसिकली मैंने मेरे पास ऑप्शन था इंजीनियरिंग और प्योर साइंसेस का. तो मैंने प्योर साइंसेस को लाइक चूज किया. मेरे को इंजीनियरिंग में कुछ ज्यादा समझ नहीं आया तो मैंने प्योर साइंसेस का रास्ता चूज किया. और लाइक इनिशियली मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग तो अच्छा था और मेरे को फिजिक्स में काफी इंटरेस्ट आ रहा था उस टाइम पे कि फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स में कुछ देखते हैं. तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग फिजिक्स, तो आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ माय प्रोफेसर. तो उन्होंने मेरे को देख के बोला कि मतलब लाइक ऐसे कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा. तो उन्होंने बोला कि मेरे इमेजिनेशन प्रॉब्लम को इमेजिन करने में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, कहीं पे भी. तो जब तक मैं फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स को इमेजिन नहीं कर पाऊंगा कि चीजें हो कैसी रही हैं, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं है सब्जेक्ट. उसके लिए तो मैथमेटिक्स है ना, वो तो जस्ट टूल है. तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि मैं कुछ और जगह पे काम करूं जहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग यू हो. तो उसके बाद से लाइक ऐसे प्योर मैथमेटिक्स प्रूफ्स वगैरह तो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था मेरे को उस टाइम पे. तो मैंने कंप्यूटर्स का रास्ता देखना शुरू किया कि ठीक है कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं, ठीक है, कि वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग है ऑब्वियसली एल्गोरिथम्स वगैरह में. तो सर बेसिकली मेरे प्रोफेसर ने बोला कि मैं प्रॉब्लम्स को इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे को कोई और सब्जेक्ट देखना चाहिए. तो मैं ढूंढ रहा था कि मैथमेटिक्स के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं. तो मेरे को एक कंप्यूटर साइंस मेरा एक सब्जेक्ट भी था और उसके बाद से सेकेंड सेमेस्टर में आने के बाद मेरे को डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह में, बेसिकली नॉट डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स में मेरे को मैथमेटिक्स दिख रहा था, ठीक है. तो मैंने कोशिश किया कि ठीक है अपने आप को पूरी तरीके से स्विच करते हैं मैथमेटिक्स में. तो फिर मेरे पास मतलब उस टाइम के बाद से मैं कंप्यूटर्स में ही पूरा घुस चुका था, ठीक है, यहाँ तक कि पीएचडी के साथ अपने यूनिवर्सिटी में रुक जाता था, ठीक है, रात में 10 बजे 12 बजे घर आ रहे हैं तो ऐसे हो रहा था. फिर उसके बाद से हम मतलब ऐसे पता करते करते पता चला कि डेटा साइंस कुछ है जिसमें बहुत अच्छी जॉब लग रही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है. तो वैसे ही डेटा साइंस पढ़ना स्टार्ट किया था उसके साथ. तो मतलब इसके बारे में कि डेटा कुछ है. फिर हमारे यहाँ पे जो पीएचडी थे वो लोग क्राउड काउंटिंग मॉडल पे काम कर रहे थे बिकॉज कुंभ आने वाला था उस टाइम पे हरिद्वार में. तो उनका ये था विजन कि हम लोग कुछ अपना मॉडल शोकेस करेंगे, ठीक है. तो उनके लिए तभी मैं पाइथन वगैरह सीख चुका था. तो उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था कि वो लोग जो कोड लिखते थे उनको कोड डीबग करता था और वो लोग मेरे को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें सिखा रहे थे
ठीक है, वो लोग कभी रिसर्च पेपर दे देते थे, ये लो पढ़ के देखो, मतलब आई वॉज लाइक कि मेरे को समझ तो आएगा नहीं कुछ भी, रिसर्च पेपर कैसे ही समझ आ जाएगा, देखो लेकिन ठीक है देखो पढ़ के देखो कुछ तो समझ आएगा, कुछ नहीं समझ आएगा तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आइडिया तो लगेगा कि एग्जैक्टली हम लोग कर क्या रहे हैं। तो ऐसे करके डेटा में घुसे। एक और आदत थी कि साथ साथ में, मतलब ऐसे पहले से ही कि न्यूज बहुत पढ़ते थे, ठीक है, मतलब 2 घंटे 1.5 घंटे डेली न्यूज पढ़ रहे थे। तो उस टाइम पे एक पता चला स्टैक से रिलेटेड कि एक्सेस माई इंडिया करके कोई कंपनी है जो कि इंडिया टुडे पे अपना डेटा प्रोड्यूस करती है इलेक्शन रिजल्ट का, एग्जिट पोल्स उसके आते हैं, ठीक है, जो कि बहुत एक्यूरेट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन था, तो उसे मैं देख रहा था, उसमें ये पता चला कि वो लोग जगहों पे हर बूथ पे जाके 10 लोगों का सैंपल साइज लेते हैं, ठीक है, और उससे रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, और उनको पता चल जाता है कि अच्छा ये पार्टी जीत रही सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग स्टूडेंट्स जूनियर्स जो आने वाले जी हैं, सैम्पलिंग सुनिए जरा, सैम्पल तो प्रैक्टिकली कहाँ यूज हो रहा है? ऐसी आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसे होगा। हम सोचते तो हैं कि होगा होगा होगा, लेकिन कई बार हमें पता नहीं लग पाता सैम्पलिंग पढ़ते टाइम। जी तो ये लोग 10 10 लोगों का डेटा लेके हर बूथ से ये लोग पता कर रहे थे, तो ये बड़ा एक्साइटिंग था। तो ये चीज को ढूंढते हुए, मतलब लाइक अब इंटरेस्ट आ रहा था कि हाँ डेटा साइंस करेंगे, आईपैक वगैरह जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके और वहीं पे सेटल होके देखेंगे कि ठीक है पॉलिटिक्स का भी साथ में पता चलता रहेगा, अपना न्यूज तो कंज्यूम कर रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स, तो ऐसी चीजें हो रही थी। फिर उसके बाद एक बार विंटर वेकेशन में जब मैं मतलब लाइक जाके लाइब्रेरी में ऐसे ही पढ़ रहा था, तो एक भैया जैम की प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि 2 महीने बाद जैम होता है, वेकेशंस दिसंबर में होते हैं, तो मैं वो प्रिपरेशन कर रहे थे। तो फिर मेरे को उस टाइम मतलब वो मैथमेटिक्स की लेकिन प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनसे बात करते करते मेरे को जैम स्टैट्स का ये पता चला कि जैम स्टैट्स होता है कुछ जो कि डेटा साइंस से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो वहां से मैंने मतलब बेसिकली ये कर लिया कि ठीक है जैम स्टैट्स के बारे में पढ़ना है और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो उस टाइम तो ये नहीं पता था कि अपॉर्चुनिटीज कम है लेकिन ठीक है रिवॉर्डिंग बहुत है, ठीक है। तो ऐसे करते करते घुस गए, और फिर ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था बेसिकली, फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ बहुत सीरियस नहीं प्रिपेयर किया था बेसिकली, केवल प्रीवियस ईयर पेपर और मैथमेटिक्स के सारे पहुंच गए थे, और उस टाइम जब एग्जाम दिया था तो इतना ही हुआ था कि एनआईटीज मिल जाए, लेकिन फिर उसके बाद सीएस तो पढ़ चुके थे तो उसे पढ़ने का दोबारा से कोई मन था नहीं कि वापस से वही चीज करके क्या फायदा, जॉब तो सेम ही लगनी है, अगर मेरे को जॉब करना है तो मैं आराम से यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके और मैं सेम जॉब यहाँ से भी ले सकता हूँ, 2 साल वहां पे क्यों वेस्ट करना। तो इस वजह से कि दोबारा से एक ड्रॉप लिया सिंसियरली, लाइक अपना यूनिवर्सिटी का जब कोर्स कंप्लीट हो गया तो सिंसियरली प्रिपेयर करना सितंबर से स्टार्ट किया, उसके बाद एग्जाम ये वाला दिया था। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। आप सभी जूनियर्स के लिए, जो भी जिन जिन तक भी इंटरव्यू पहुंचेगा, स्टैट्स के लिए इन्होंने काफी सारी चीजें बताई हैं, कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें भी बताई हैं। इसको सुन के ऑब्जर्व कीजिएगा कि हाँ भाई, स्टैट्स में भी बहुत अच्छा फ्यूचर है। वो सच में है, पता नहीं होता है, लेकिन ओके नेक्स्ट थिंग। अब प्रिपरेशन के लिए जो बात थी वो तो इन्होंने बोली दी, इनकी किस तरह का सफर रहा, किस तरह की जर्नी रही इनकी। ओके बेटा, मैं पर्सनली पूछना चाहूंगा, आप अल्फा अल्फा प्लस मतलब हमारे साथ कैसे, किस तरह से जुड़े, किस तरह से जुड़े, मतलब बिकॉज इनिशियली मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ आप हमारे स्टूडेंट नहीं है, फिर भी मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, आपकी कहानी आपकी स्टोरी मेरे को बहुत अच्छी लगी, दैट इज वाई, ताकि बच्चों को बेनिफिट हो। बताओ। ओके सर, तो बेसिकली अल्फा प्लस से मेरा पहला जुड़ाव ये था कि अल्फा प्लस की मेरे को एक बुक के बारे में पता था, मतलब आप लोग के बारे में तो पता ही था, लेकिन अब अनएकेडमी नहीं था और अल्फा प्लस भी ज्वाइन नहीं किया था, तो ये था कि आपकी प्रॉब्लम्स जो बुक के थे, मनीष सर की पहले बुक आई थी जो ब्लू वाली, तो उसके प्रॉब्लम्स ग्रुप्स में वो बुक थी दोस्तों के पास, ठीक है, तो उसके प्रॉब्लम्स बच्चे डिस्कस करते थे और मेरे एक दोस्त ने भी ली थी, तो हम लोग डिस्कस करते थे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स उसके, तो वो वाली बुक मैंने खरीदी थी मनीष सर वाली, तो वो मैंने सितंबर से सॉल्व करनी स्टार्ट करी, एंड बहुत वो सारे एकदम गो क्वेश्चन है टू, उसमें, बहुत क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत हाँ अच्छी किताब है। उसमें लाइक मैंने सबसे पहला जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन उठाया था और लाइक 80 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व, मतलब पहले वाले थे जो कि बेसिक लेवल के थे और उसके बाद एग्जाम लेवल वाले लगभग 125 क्वेश्चन थे, तो मतलब एकदम जब गो टू एक साथ मिलने लगता है तो इट्स लाइक कि
फिर उसके बाद 2-3 दिन में सारा कुछ खत्म कर दिया ये। तो मेरे को लगा कि अच्छा अगर मैं FMS वगैरह कर रहा हूँ, साहो वगैरह कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत टाइम खिंच जाता था। एक एक चैप्टर लाइक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन करने में मेरे को लगा 15 दिन लग गया जब। तो फिर उसके बाद मेरे को लगा अच्छा ठीक है, ये बहुत जल्दी हो रही है चीजें। तो फिर मैंने वापस से इस पूरी बुक को सॉल्व कर दिया सेप्टेम्बर हाफ के बाद से लेके अक्टूबर तक में 2 रिविजन मैंने कर लिए थे इसके। तो फिर उसके बाद से मैं ये देख रहा था कि ISS का जो पेपर था वो मेरे लिए काफी आसान हो गया। तो मेरे को लगा अच्छा कुछ तो अगर एग्जाम की चीजें अच्छी हो रही हैं तो बुक में अच्छा है। तो फिर मैंने रेड वाली बुक भी मंगा ली थी, उनकी स्टैटिस्टिकल इंफरेंस वाली। उसमें मेरे को एक चीज बहुत अच्छी मिली कि जो WLLN सैम्पलिंग के क्वेश्चन हैं वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। ओके ओके ओके। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। हाँ जी, तो वो केवल इसी बुक में एक साथ सारे Chebyshev इनइक्वालिटीज ये सारा कुछ ढूंढ के इकट्ठा करके एक ही बुक में था। और अगर वो नहीं तो अगर आप ढूंढने चले जाओ तो आप एक एक पेपर कई सारी बुक्स में थोड़ा थोड़ा मिलेगा, एक जगह मिल नहीं पाएगा, बच्चा कलेक्ट करते रह जाएगा, मिल ही नहीं पाता कहीं। जी, तो वो Chebyshev इनइक्वालिटी मेरा लगभग एक दिन में, और फिर WLLN एक दिन में, ऐसे तो काफी जल्दी हो गया। मतलब जहां पे मेरे को लगता है कि ये 2-3 चैप्टर होने में 15-20 दिन लगता, वो एक वीक में खत्म हो गया था। बहुत बढ़िया, मेरे पास टाइम 4 महीने का था तो मेरे को जल्दी जल्दी चीजें करनी थी, तो मेरे को इससे फायदा हो गया। ठीक है, सही। और बस यही हुआ टेस्ट सीरीज। अरे सर, टेस्ट सीरीज तो फिर पहले मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, तो उसमें ये था कि टेस्ट सीरीज तो वो भी ठीक थी, बट उसमें मेरे को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। अब मेरे को जितनी चीजें आती थी उतनी तो आती थी, अब मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए था। तो मेरे दोस्तों ने बताया कि टेस्ट सीरीज जो आपकी है उसमें मेरे को वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। तो फिर उसके बाद से मैंने ये भी टेस्ट सीरीज लगा लिया था। अब इसमें मेरे को जितना भी मेरा मैथमेटिक्स का वीक वाला पोर्शन था, मतलब जो प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसमें डिस्कस ही वो प्रॉब्लम्स हो रहे थे जो कि सॉल्व नहीं हो रहे थे बच्चों से, तो फिर उसके बाद से उसको फॉलो करना शुरू किया। कौन डिस्कस कर रहा था भाई, बता दो, मैथ्स के वो वाले प्रॉब्लम जो बाकियों से नहीं हो रहे थे। हाँ, विवेक सर के ही प्रॉब्लम, विवेक सर ही डिस्कस कर रहे थे। और बेसिकली मैंने आइडिया ये लगाया था क्योंकि टाइम, मतलब उसमें भी जो अच्छे, मतलब एक बार तुरंत वीडियो देख लिया जब आ रही है, फिर उसके बाद से 2x पे दोबारा देख लिया, फिर उसके बाद से जो और टफ प्रॉब्लम है जो कि एकदम लग रहा है कि ठीक है ये आ सकते हैं, तो उसको मैं कलेक्ट करके रख रहा था कि ठीक है आखिरी वीक में रिवाइज करके जाऊंगा उनको। तो वो आखिरी वीक में हो, मतलब वैसे ही करके गया था, और काफी अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, आप सबके लिए, जूनियर्स के लिए बात है। बच्चे टेस्ट, हमारे टेस्ट सीरीज में पॉजिटिव पॉइंट यही है जो बच्चे ने बताया। अगर आप देखिए, मैं आई डिडंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट फॉर समबडी, प्लीज। ये है कि अगर आप कोई दूसरा टेस्ट सीरीज लेंगे तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के तौर पे ABCD मार्क करना है, उसका आपको एक्सप्लेनेशन तो मिलेगा नहीं, तो खुद से निकालना है। हमारे साथ पॉजिटिव पॉइंट ये आपने सुन भी लिया, बाकी बच्चों से भी सुन लेंगे कि बेटा जो टेस्ट सीरीज हम देते हैं बच्चों को करने के लिए, वो उसका वीडियो सॉल्यूशन विद डिस्कशन हो जाएगा। और सुनो, हर साल नया होता है, ठीक है, कई क्वेश्चंस खुद से डिजाइन किए जाते हैं, कहीं से चुरा उरा के क्वेश्चन नहीं लाए भाई, खुद की है। दैट इज व्हाई ये बच्चा भी कह रहे हैं ही, ये पूरे साल हमसे नहीं पढ़ा है, इन्होंने थोड़ा सा गाइडेंस लिया मनीष मलिक सर की बुक से, करते रहे और टेस्ट सीरीज से बेनिफिट लिया, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में इनको बेनिफिट हुआ, वो सारी चीजें कंबाइन हो गई, बट इनकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी मेरे को। अब बेटा जैसे कि आपका रैंक है बच्चे, रैंक 50 है, और आपका जो बैकग्राउंड था वो एक्चुअल में मैथमेटिक्स समझ लूं मैं एक तरह से, ठीक है ना। तो आपको IIT बॉम्बे, IIT कानपुर दोनों के लिए ही बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं इस आगे भविष्य में आप इससे भी ज्यादा बेहतर करेंगे और जूनियर्स के लिए और आदर्श स्थिति प्रस्तुत करेंगे। जी ठीक है बेटा, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कामेश, थैंक यू सर, बाय।